Z9 काविंद्र चौहान के साथ। दर्शकों, सिनेमा को समाज का आईना कहते हैं, लेकिन इस आईने में अब इस हद तक दाग लग चुके हैं कि अब अगर समाज को सिनेमा के इस आईने में तलाश हो तो समाज में भी दाग नजर आते हैं। लेकिन जिस देश में आते जाते सड़क किनारे सिनेमा के सिने स्टार सड़क पर पान मसाला बेचते नजर आते हो, वहां के क्या ही कहें। लेकिन आज सारी सीमाएं पार हो गई, क्योंकि एक बॉलीवुड का डायरेक्टर आज खुलेआम एक महिला को ग्रोप कर रहा है, पकड़ रहा है, गलत नियत से छू रहा है, गलत जगह छू रहा है, और वो महिला भी कोई छुटभैया फिल्म, कोई छुटभैया रोल पाने की लालसा खूब साथम साथ दे रही है। मुमकिन है कि यही महिला आगे चलकर फिल्म ना दिए जाने पर इस डायरेक्टर पर मीटू सीटू भी कर दे। लेकिन आज ये जो वीडियो सामने आया है दर्शकों, ये बॉलीवुड के अंदर बसे सेक्स के उस नेक्सस को पूरी तरह से एक्सपोज करता है और बताता है कि बॉलीवुड के जो हैवान जो बाहर कैमरों के सामने सूट बूट पहनकर खुद को हाई क्लास बताते हैं, ये अंदर से कितने लो क्लास है। ये आउटसाइडर लड़कियों को किस तरह का लालच देते हैं, ये उनके सामने फिल्म में काम दिलाने का दाना डालते हैं और उनका सब कुछ लूट लेते हैं। बॉलीवुड की इसी गंदगी ने हमारे आप सुशांत सिंह राजपूत की जान ले ली थी। सुशांत आउटसाइडर था और कामयाब भी था, बस यही बात इन लोगों को पसंद है। दर्शकों, कितने आउटसाइडर लाखों की संख्या मुंबई पहुंचते हैं एक सपना लेकर, उनकी आंखों में एक सपना होता है, लेकिन इन सब के बावजूद मुंबई की माया नगरी में बैठे माया की गद्दियों पर विराजमान ये भेड़ी इस कदर दबाव बना, इस कदर लॉलीपॉप देते हैं, इस कदर लालच देते हैं और उनके साथ खिलवाड़ करते हैं। दर्शकों, बहुत हो चुका है ये ड्रामा, बहुत दिनों से ये ड्रामा चल रहा है और इस ड्रामे का अंत होना चाहिए। फिलहाल दर्शकों, राम गोपाल वर्मा जाने माने डायरेक्टर का एक वीडियो सभी के सामने है, लेकिन उस वीडियो के पीछे जो सच छिपा हुआ है वो सच बॉलीवुड को नंगा करता है, क्योंकि वो सच बताता है कि कितनी ही लड़कियों के साथ ये लोग चारा डालने का काम करता है, उनको फिल्में देते हैं छोटी मोटी और फिर उनके साथ खेलते हैं। कितनी लड़कियों के साथ ये खिलवाड़ करते हैं, कितनी महिलाओं के भविष्य के साथ ये खेलते हैं, लालच देते हैं, फिल्मों में 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड 10 मिनट का एक रोल देने का, उस रोल के नाम पर ये लोग उनकी जिंदगी का एक रोल कट करते हैं। दर्शकों, क्या कुछ कहानी है आपको एक रिपोर्ट दिखाने जाएंगे और इस रिपोर्ट के जरिए आप समझेंगे कि इस कहानी में दरअसल है क्या। तो दर्शकों, पूरी स्टोरी को समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। यह वीडियो मात्र एक अश्लील वीडियो नहीं है, ये वीडियो वो कहानियां दिखाता है जो बॉलीवुड को सामने रखती है, जो बताती है कि बॉलीवुड जो कुछ सिनेमा जगत के जरिए या फिर जो थिएटर्स के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता है वो दरअसल भी बॉलीवुड नहीं है। आज भारत एट नाइन इसी बॉलीवुड के अंदर छिपे इसके काले सच को उजागर किया जाएगा। आज भारत एट नाइन में इसी बॉलीवुड का बिहाइंड द सीन चल रहा ये गलत कारोबार, इसको डिफाइन किया जाएगा। साथ ही साथ ये बात भी सुनिश्चित की जाएगी कि समाज के नाम पर, समाज को दिखाने के नाम पर, समाज का आईना बनने के नाम पर इन काले चेहरों को एक्सपोज किया जा सके। पूरी तस्वीरें मुंबई की बताई जा रही है, माया नगरी में माया का किस कदर जादू चलता है इन तस्वीरों से साफ होता है। वीडियो में नजर आ रहा शख्स कोई अनजान चेहरा नहीं है, बल्कि जाना माना डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा है। रामगोपाल वर्मा यूं तो अक्सर विवादों में बना रहता है, लेकिन पैसा पावर उसके सर पर चढ़ गया है। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रामगोपाल वर्मा किस कदर
एक महिला के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, एक महिला के साथ किस कदर ग्रूपिंग कर रहा है, एक महिला के साथ किस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहा है। ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि राम गोपाल वर्मा एक महिला के साथ किस तरीके से अश्लील हरकतें कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिला भी इस पूरी वीडियो में समान रूप से कंसेंशुअल होती दिख रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल दिखाता है कि किस तरीके से अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति एक जवान महिला के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, जो साफ दिखाता है कि बॉलीवुड में अभी भी वो चीजें शामिल है जहां पर कास्टिंग काउच की बात होती है, जहां पर नई नवेले जो लोग यहां पर आते हैं, जो फिल्मों में काम करने के लिए यहां आते हैं, उनके साथ ये डायरेक्टर किस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। ये तस्वीरें साफ दिखाती है कि किस तरीके से ये डायरेक्टर फिल्मों में काम देने के नाम पर इन महिलाओं के साथ, इन न्यूकमर्स के साथ, इन आउटसाइडर्स के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं। ये तस्वीरें साफ उस मजबूरी को दिखाती हैं कि किस तरीके से ये महिला किस मजबूरी का शिकार है, जो फिल्मों में एक छोटा सा छोटबैया रोल पाने के लिए एक अधेड़ उम्र के शख्स को अपने शरीर पर हाथ लगाने दे रही है। ये तस्वीरें उस मानसिकता की ओर इशारा करती है जहाँ पर सिर्फ काम देने के नाम पर जिस तरीके का दाम लिया जाता है वो खुलकर अब सामने आ चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बॉलीवुड पर इस तरीके के आरोप सदियों से लगते आ रहे हैं कि वहां पर काम देने के नाम पर बॉलीवुड माफिया किस तरीके का बर्ताव करते हैं, कास्टिंग काउच करते हैं और कॉम्प्रोमाइजेशन की बातें करते हैं। तमाम लड़कियां इस तरीके की बातें करती रही हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं तो कुछ नहीं करती, जो कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं उनकी तस्वीरें सामने नहीं आ पाती, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो खुलकर बताती हैं। और ये बात भी स्पष्ट है कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो बॉलीवुड में शिखर तक भी पहुंचती है। फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले ही राज कुंद्रा का मामला खूब छाया रहा, जिनकी पत्नी खुद एक बॉलीवुड सुपरस्टार है। यहाँ पर बात शिल्पा शेट्टी की कर रही है तो शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पर आरोप लगे हैं कि वो किस तरीके से महिलाओं के साथ एडल्ट फिल्म्स करवाते हैं, किस तरीके से वो पॉर्न वीडियोस बनवाते हैं। तो इस तरीके का जो ये कारोबार है ये किस तरीके से माया नगरी में फल फूल रहा है ये सामने आता है। राज कुंद्रा जिनके ऊपर मुकदमा हो चुका है, राज कुंद्रा जिन पर ये आरोप है कि वो इन्हीं नई नवेली लड़कियों के साथ मिलकर फिल्में करवाते थे, इन्हीं नई नवेली लड़कियों के साथ मिलकर वो अपनी वीडियोस बनवाते थे और उन वीडियोस को वो अच्छे खासे मोटे दामों में बेच दिया करते थे। तो किस तरीके से इन लड़कियों को अपना शिकार बनाया जाता है, किस तरीके से इन लड़कियों को अपना निवाला बनाते हैं ये कुछ माफिया जो मुंबई में बैठे हैं और मुंबई में आने वाली लाखों उन आंखों को देखते हैं, जो आंखें एक सपना लेकर आते हैं लेकिन ये भेड़िए उन सपनों को चूर चूर कर देते हैं, उन सपनों को अपने बिस्तर पर लिटा देते हैं। और किस तरीके से इस अंधेर नगरी में ये अंधेर काम होते रहते हैं, इन पर लगाम कब लगेगी ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल और है कि क्यों बाकी बॉलीवुड के लोग जो तमाम अन्य मुद्दों पर खुलकर सामने आते हैं लेकिन जब बात बॉलीवुड पर आती है तो वो किस बिस्तर के साए में सो जाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। बात यहाँ पर सलमान खान की होनी चाहिए, बात यहाँ पर आमिर खान की होनी चाहिए, बात यहाँ पर उन सभी सुपरस्टार्स की होनी चाहिए जो बॉलीवुड की दुनिया पर राज करते हैं, लेकिन जब उनके सामने इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो कहाँ दुबके हुए हैं, ये भी सवाल उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो अब ये सवाल मैं पूछता हूं कि क्यों, आखिर क्यों इन लोगों को ना तो शर्म है, ना तो डर है, ना तो समाज का भय है, ना ही कानून का भय है। ये कल तक जो छिप कर कमरों के अंदर कृत्य करते थे आज इतने ताकतवर हो गए कि खुलकर वीडियोस अपलोड कर और मजाक उड़ा रहे, मजाक बना रहे, उस लड़की का नाम भी सामने कर रहे हैं। और वो लड़की जो आज एक मजबूरी में, जो सपने में, जो ये सोचती है कि राम गोपाल वर्मा फिल्म मिल गई तो उसका जीवन, उसकी नैया सब पार लग जाएगी। और इसी सोच का दर्शकों, इसी सोच का
इसी मानसिकता का, इसी विचार का फायदा उठाते हैं राम गोपाल वर्मा जैसे लोग। और इन्हीं लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत, जिसको इन्हीं लोगों ने मारा है, कैसे इन्हीं लोगों ने मानसिक दबाव इतना बना दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को आखिरी में उस जगह पर लाकर ठहरा दिया जहां से उसको इस दुनिया से जाना ज्यादा बेहतर लगा। यही वो चेहरे हैं दर्शकों, यही वो फेसेस हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जान ली है और हमसे सुशांत को दूर किया। इनको नहीं फला, इनको अच्छा नहीं लगा कि कोई आउटसाइडर आकर, कोई बाहर से आकर, कोई पटना से आकर कैसे इनके अंदर बीच में आकर इतना लोकप्रिय हो गया कि उसको रोक पाना इनके लिए मुश्किल हो गया। तब इन्होंने ये छोटी छोटी ट्रिक्स गेम्स खेली और इन गेम्स की बदौलत इन्होंने खूब कोशिश की कि उसको रोक ले और उसको इतना परेशान किया, सुशांत सिंह राजपूत को इतना परेशान किया कि उसको इस दुनिया को छोड़कर जाना। यही वो चेहरे, ये फराह खान, वही फराह खान है जो फिल्में करती है और जिसकी फिल्में ये ऑडियंस देखती है। और बाद में ये फराह खान कहती है दैट कास्टिंग काउच इज हियर, ये फराह खान कहती है कि हां कास्टिंग काउच होता है, करिए, क्या कर सकते। इन लोगों के दिमाग में एक एरोगेंस हो चुकी है दर्शकों, एक एरोगेंस है, एरोगेंस ये है कि हम कुछ भी कर सकते, हम कुछ भी करें ये हमारा क्या बिगाड़ लें, हम कुछ भी कर सकते हैं, दर्शक तो पागल फिल्में देखने जाएंगे ही जाएंगे। और ऐसे में ये बॉलीवुड का गैंग, ये नेक्सस जो तमाम चीजों पर निकलकर सामने आता है, चाहे वो कहीं पर रेप की घटना हो निकलकर सामने, किसी भी तरह की बात हो निकलकर सामने, लेकिन आज कहां छिप कर बैठे, देयर इज नो क्लू। और दर्शकों एक और चीज जो इस बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज करते हैं, द खान्स, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, आज कहां छिप कर बैठे, क्यों सामने नहीं आते, क्यों इस मुद्दे पर नहीं बोलते। सलमान खान जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भारत में लाने की वकालत करते थे और कहते थे कि कलाकार का कोई भी इंक्लाइनेशन नहीं होती, वो कहां है आज, क्यों नहीं इस पर बात करते, क्यों नहीं बोलते कि ये गलत है। लेकिन नहीं, ये सब बॉलीवुड का जो माफिया गैंग है, जो टॉप पर बैठे हैं, दे आर सेम, डिटो सेम, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी लड़की है, वो कहां से आई है। हमारे बीच से निकलकर दोस्तों कई लड़कियां मुंबई जाती है एक सपना लेकर, सोचती हैं बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, कलाकार बनेगी, लेकिन ये लोग उसके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं, उसको दबाते हैं, उसको परेशान करते हैं। मैं कभी इस मुद्दे को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन लगातार मुझे फोन आए और मुझे कहा गया कि इस पर बात करो, एंड आई एम फीलिंग सो सॉरी, इस मुद्दे पर बात करने में आई एम फीलिंग सो सॉरी कि जो लोग खुद को समाज का आईना बताते हैं, समाज के सामने ये दिखाते हैं दैट दे आर प्रेजेंटिंग मूवीज, दैट दे आर डूइंग मूवीज फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, दे आर डूइंग मूवीज फॉर एंटरटेनमेंट, दैट दे आर डूइंग मूवीज to bring a change, that they are doing movies to make a new environment, but not, दर्शकों ये सिर्फ फिल्में बना रहे हैं अपनी जेब भारी करने के लिए, गांधी जी का परमानेंट एड्रेस अपनी जेब में करने के लिए। और ऐसे में जो हमारे बीच से निकलकर जो युवा है, जो युवती है, जब इनके बीच जाती है, जब उनके पास टैलेंट होता है, जब दर्शकों का प्यार उन्हें मिलता है, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं, एकदम हड़बड़ाहट हो जाती है और तब ये लोग टेंट्रम्स प्ले करते हैं। जब कंगना रनौत खुलकर सामने आई, कंगना रनौत ने खुलकर कहा
कि यहां पर यह सब कुछ होता है, तब पूरे पूरे बॉलीवुड गैंग में खलबली मच गई। दर्शकों, जब सुशांत सिंह राजपूत एकदम से ग्राफ उनका उठने लगा तो बॉलीवुड में खलबली मच गई। और आज भी दर्शकों, जब भी कोई आउटसाइडर यहां आकर नाम कमाता है, उठता है, पॉपुलर होता है, तो ये जो बैठे हैं, जो बुजुर्ग, इनमें खलबली मच जाती है। और ये उसका उदाहरण है। ये तस्वीरें आप अपनी जो टीवी स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं, ये उसका उदाहरण है। ये तस्वीरें आप जो अपनी टीवी स्क्रीन पर, मैं कहूंगा, दिखाई जाए, ये उसका उदाहरण है कि किस तरीके से इनके साथ क्या होता हो। ये तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, ये वो उदाहरण है जो आपको बताएंगी कि किस तरीके से इनके साथ अत्याचार हुए। मैं पीसीआर से कहूंगा कि इन तस्वीरों को चलाएं और दिखाएं कि क्या कुछ आज की डेट में हो रहा। इन तस्वीरों को देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक अधेड़ उम्र का सो कॉल्ड डायरेक्टर किस तरीके से एक महिला को किस नजरों से घूर रहा है, जस्ट बिकॉज ही इज गिविंग अ टाइनी रोल टू दिस लेडी इन हर अपकमिंग मूवी। ये देखिए, ये वो चेहरे हैं, ये उनकी पार्टी के चेहरे हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो हमारे युवा जिनको देखते हैं, हमारे युवा जिनको देखकर अपने आगे का भविष्य बनाते हैं। ये वो चेहरे हैं, देखें इनकी आंखों को, ये वो चेहरे हैं दर्शकों, जिनको हमारे आपके बच्चे देखते हैं। इनका डर्टी गेम देखिए, ये डायरेक्टर को देखिए जो फिल्म देने के नाम पर मुंबई में क्या कुछ कर रहा है। इस डायरेक्टर को देखिए, इसकी हरकतें देखिए। एक छुटभैया, एक छुटभैया, एक सड़क छाप, कोई व्यक्ति जिस निगाहों से किसी की तरफ देखता है, ये वो दृश्य, ये वो वीडियो है जो वायरल ना हुई, लेकिन इस डायरेक्टर ने खुद अपनी ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट कर दिया। ये दिखाता है कि आज भी इनके अंदर कितना एरोगेंस है, ये लोग कितने पावरफुल हो चुके हैं कि ये लोग मानते हैं कि ये लोग जो कुछ करेंगे इनका कुछ भी नहीं हो सकता। ये लोग इस बात को मानते हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। दर्शकों, ये लोग इस बात को मानते हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और बताता हूं मैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सीधे तौर पर साफ करती हैं कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों, ये सब कुछ जो चल रहा है, ये सब आपके सामने है। और ये मुंबई का असली सच, ये बिहाइंड द सीन है जो बताता है कि किस तरीके से ये जो पूरा मुद्दा है वो किस दिशा में जा रहा है। ये तब तक तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चलेंगी जब तक आपके दिमाग में ये बात घर ना कर जाए कि सैल्यूट सर लिखने वाली ये लड़की किस मजबूरी में होगी, सैल्यूट सर लिखने वाली ये लड़की किस वक्त से गुजर रही होगी। कि बताइए, अधेड़ उम्र के, अपने पिता की उम्र के एक व्यक्ति को वो अपने आप को टच करने दे रही है। दिस इज जस्ट बिकॉज व्यूअर्स, दिस इज हेल इनसाइड माया नगरी। ये नेपोटिज्म जितना घातक है उससे ज्यादा घातक ये तस्वीरें हैं। ये नेपोटिज्म की वजह से जो आउटसाइडर्स के लिए जो गेट्स बैन किए गए हैं, ये उसकी तस्वीरें हैं। ये नेपोटिज्म की वजह से जो दरवाजों पर जो लगाम लगाई गई है, दरवाजों को जो बंद किया गया है, ये उसकी तस्वीरें हैं कि किस तरीके से ये डायरेक्टर्स हमारे बीच से निकलकर, हमारे आपके मेरे जैसे लोगों से बीच से निकलकर, जब जयपुर से, जब बनारस से, जब लखनऊ से, जब मुरादनगर से, जब मुरादाबाद से,
लड़कियां जाती हैं मुंबई एक सपना लेकर और इस सपने को चूर चूर करते हैं ये लोग, ये बॉलीवुड का गैंग जो खुलकर अब सामने आने लगा है, जो खुलकर बताता है अब कि देखो कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। एंड व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब देख रहे हैं, अपनी आंखों से सब देख रहे हैं। कभी नहीं सोचते, कभी नहीं पूछते, सिर्फ धर्म के नाम पर ये मूवी बॉयकॉट, वो मूवी बॉयकॉट। कभी नहीं सोचते कि ये लोग किस तरीके से हमारा शोषण कर रहे हैं, ये लोग किस तरीके से हमारे बीच के जो लोग हैं जब मुंबई जाते हैं तो ये मुट्ठी भर लोग उनके साथ कैसे खेलते हैं। मेरे अंदर जो आज गुस्सा है उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, दे कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, बट व्यूअर्स आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू ऑल कि अगर एक बार कोई कैंपेन में उठा लेता हूं तो फिर मैं उसको तब तक नहीं छोड़ता कि जब तक उसको एक्सपोज ना कर। एंड आई एम अनाउंसिंग दिस, आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि ये पूरा बॉलीवुड गैंग जब तक जो करना चाहता है करे, लेकिन इसको जल्दी हम एक्सपोज करने वाले, इस पूरे गैंग की बखिया उखाड़ देंगे, इस पूरे गैंग को एक्सपोज करके रखेंगे और इनको बताएंगे कि दर्शकों हमारी पावर क्या है। ये जो गिनती के जो लोग हैं जो समझते हैं कि बाहर से आई लड़की, बाहर से आई महिला के साथ ये कुछ भी कर लेंगे, तो ये इनकी भूल है। और भारत एट नाइन में आज मैं ये अनाउंस करता हूं, बिगेस्ट अनाउंसमेंट ऑफ द डे आज, कि अब बॉलीवुड का ड्रामा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं, इनको एक्सपोज करें, इनके एक 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 किस्से को सामने लेकर आएंगे। मुंबई में सारे रिपोर्टर्स अपने लगा दूंगा और मुंबई की हर तस्वीर को लाकर सामने रख दूंगा, इनको एक्सपोज कर दूंगा, एक 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 कहानी खबर आप तक लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि ये बिगेस्ट थ्रेट है उनके लिए जो हमारे बीच से निकलकर जाते हैं। मुझे नहीं पता किसी का क्या कोई सोचता है, क्या करता है। मेरा गुस्सा सिर्फ इसलिए है कि हमने इनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को खोया है। और अगर आपको लगता है कि इनको रोकना है, दे नीड्स टू बी स्टॉप्ड, देन ज्वाइन मी, आई विल नॉट स्टॉप। इस महा कैंपेन की अभियान हो चुकी है, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा और कल एक बार फिर आपके सामने इनका असली सच रखूंगा, कल एक बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो सलमान, ये जो शाहरुख, ये जो आमिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डर लगता है देश में, ये हो गया वो हो गया, अचकार छुप कर बैठे ये लोग, किसी का कोई पता नहीं, ये प्लेकार्ड्स पहन के, प्लेकार्ड्स पकड़ के, ये जो टॉप एक्ट्रेसेस नेपोटिज्म का प्रोडक्ट जब आती है सामने प्लेकार्ड्स पकड़ के, वेयर आर दे राइट नाउ, सब छिप के बैठे हैं दरवाजों के पीछे। हम छिपने वाले नहीं, मैं छिपने वाला नहीं, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, कल एक बार फिर आपसे खूब बात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।